हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। सर्दियाँ आ चुकी है, इसमें तो मूली के पराठे, गोभी के पराठे सभी बनाते हैं। तो चलिए बिना कोई झंझट के बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं हम मूली के पराठे। मूली के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे, जिसमें हम डालेंगे आटा। आटा मैंने डाला है 2 कप के करीब। 1 कप मैदा मैंने यूज किया है, आप सिर्फ आटा में भी बना सकते हैं। हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, अजवाइन ऐड करेंगे, हम तेल डाल देंगे 1-2 बड़े चम्मच। उसके बाद अच्छे से कर देंगे हम मिक्स। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे, जैसे हम रोटी और चपाती या फिर पूरी वगैरह के लिए डो रेडी करते हैं वैसा डो रेडी कर लेंगे हम। उसके बाद हम मूली को अच्छे से पील करके उसको ग्रेट कर लेंगे। 2 मूली लिया है मैंने, आप अपने क्वांटिटी के अनुसार लीजिएगा। मूली से पानी निकलने लगेगा तो उसी टाइम हम अच्छे से उसका पानी निचोड़ देंगे। हमें पानी नहीं चाहिए स्टफिंग में, अगर पानी रहेगा तो आपको मूली जो पराठे जो है फटने लगेंगे, इसीलिए पानी हम निकाल देंगे। ये पानी आप किसी सब्जी वगैरह में भी यूज कर सकते हो, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे मूली को तड़का, उसमें डालेंगे हम पैन में 1 चम्मच के करीब तेल, जीरा ऐड करेंगे हम। उसके बाद ऐड कर देंगे हम ग्रीन चिली, मीन्स हरी मिर्च और प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे, हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, सब हम 1 टी स्पून के करीब यूज करेंगे हम। 1 छोटा चम्मच हम यूज करेंगे सबका, सारे पाउडर का। जब मसाले को हम 1-2 मिनट अच्छे से हम भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ मूली जो हमने निचोड़ के पहले से रखा हुआ था, वो हम ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम मसालों के साथ मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम इसे भूनेंगे 1-2 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें आमचूर का पाउडर यूज करेंगे, अगर आमचूर का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे कोरिएंडर लीव्स, मींस धनिया पत्ता, और उसके बाद हम 1-2 मिनट और इसे भूनेंगे। नमक डाल देंगे, नमक हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, हल्का सा कूल डाउन होने देंगे। उसके बाद हम इसको स्टफ़ करेंगे, जिससे हम पूरी वगैरह को स्टफिंग करते हैं। हम एक लोई लेंगे आटे का, उसको अच्छे से हम राउंड शेप दे देंगे। उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब मूली वाला जो हमने बनाया हुआ है स्टफिंग, वो हम ऐड कर देंगे। अच्छे से हम उसको बंद करके उसको हाथों की सहायता से हम अच्छे से उसको रोल कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप इसे बेल भी सकते हैं या फिर दोनों हथेलियों से आप इसे अच्छे से प्रेस करते हुए इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है, ऐसे आप दोनों हथेली से भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर बेलने में आसानी लगे तो आप बेल सकते हैं। उसके बाद हम तवे पे डाल देंगे इसे, हम घी या बटर या फिर ऑयल से अच्छे से ग्रीस करते हुए इसको हम पराठे के जैसा सेक लेंगे। उसके बाद हमारा ये मूली का पराठा बन के रेडी हो जाएगा, और इसे हम सॉस, केचप या फिर कोई भी चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर बनाइए। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।